आने थे अज कित कहने आते कोई शिकार शिकोर, मैं तो पहली बारी आया शिकारे ते आन के होना कोई पता नहीं। भारी यही कुकड़ कावन लगे तो कोनी भारी गीदर या लुमर ने ना अपना जैसे कुछ चीज आएगी इसको छोड़ दूंगा और इसको खींच लूंगा। घर में ना मैं पुरानी वीडियोस एडिट कर रहा था, ऐसी रेट हो माँ भाई कहते हैं बोर हो रहे हो आओ 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 शिकार पे जा रहे हैं। मैंने कहा मैंने शिकार पे नहीं जाना, ऐसी मेरे से ना ज़बरदस्ती मोबाइल खींच लिया और कहते हैं मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं क्या व्लॉग बनाना कर जा रहे हो? मुझे ऐसे लगा था कोई दोस्त यार ना दावत दे रहे होंगे होटल पर। अक्सर आप गाँव जब आते हैं तो कढ़ाई खाना जाते हैं होटलों पर, तो मुझे ये लग रहा था, मुझे कसमें उठा रहा था कि जाना है और शिकार है। मैं क्या शिकार शुरू कोई नहीं है अभी ना। वाकई में हम आए हैं एक जगह पर और काफ़ी ज़्यादा पतले पतले लंबे लंबे वही ग्रेहाउंड्स डॉग होते हैं, वही हैं शिकारी कुत्ते हैं। अभी ना यहाँ पर खड़े होकर डिसाइड हुआ है कि दरमियान में कोई गीदड़ है, वो लोग यहाँ से जाएंगे, आधे बंदे हमारे साथ जाएंगे, फिर आधे रास्ते में रुक जाएंगे और हम और आगे जाएंगे। गीदड़ को दरमियान में घेरा डालना है, उसके चारों साइडों से ना डॉग्स ही डॉग्स होंगे। टोटल मैंने गिने नहीं है डॉग्स हैं कितने, लेकिन हैं काफ़ी हैं। एक बंदा अब यहाँ पर रुकेगा और हम फिर आगे जा रहे हैं। माँ और वो बंदा आगे जा रहे हैं, मैं यहाँ पर रुकूंगा इसके साथ। अच्छा फिलहाल मैं अकेला हो गया हूँ, वो जो डॉग था वो उस साइड जा रहा है, मैंने यहाँ पर रुकने। गिदड़ कह रहे हैं कि इस साइड से निकलेगा तो या उधर से जाएगा या फिर इधर से जाएगा और या सामने से। अगर सामने से जाएगा तो उधर एक बंदा खड़ा हुआ है, उसका नाम है शहरी, तो उसको आवाज़ देनी है शहरी की, मतलब पंजाबी में शहरी तोड़ी तरफ गिदड़ आना पिया। तो आने थे अज कित कहने आते कोई शिकार शिकोर, मैं तो पहली बारी आया शिकारे ते आन के होना कोई पता नहीं। वैसे आप लोग मेरी पंजाबी सुन के हैरान हो रहे होंगे, मैं ठोस पंजाबी बोल लेता हूँ। और वैसे मैं पीछे बेसिकली तलागांग का हूँ। वो बंदा वो बैठा हुआ है, बंदा नहीं है वो दोस्त है। लुमड़ आ रहा है उधर से, वो लोग शोर डाल रहे हैं, मुझे पता नहीं किस साइड से आ रहा है। आज का जो व्लॉग है ना आप लोगों के लिए तो बना रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि मतलब मुझे याद रहे कभी भी लाइफ में देखना हो कि शिकार कैसे करते हैं या क्या सीन है, तो मैं ये व्लॉग देख लिया करूँगा। एक कुत्ता वो सामने खड़ा हुआ है, वो है वो सामने, बहुत दूर है वैसे अभी देखे नज़र नहीं आ रहा, वो मैंने जूम किया था। वो कह रहे हैं कि एक लुमड़ भाग गया, एक है, मैंने तो नहीं देखा, वो जो उस साइड बंदे की भी उन्होंने कहीं देखा है। वो साइड से जा रहा है, है क्या ही क्या जैसा था नहीं सा ओ भी कुत्ते बहने नो ओ बहने उन बहुत बहने अरे करो ना उन पर चढ़ो आओ तो से डेरी ना खुदा नाल होते बाहर हटने नहीं तो हमल से कुत्ते दो तरह खिला रो नहीं दे तो कुत्ते को नहीं खिला रहा तो ये तो चलो ये दो जाकर मुत्ते पे तैयार खा रहा है से मां वो कोई फायदा नहीं तो को लूमड़ नास का देखा वे मैं मैं देखा वे देखया ना काला शालू मोड़ लाला आके जाए दो कुत्ते खिलारे करो बात कुत्ता नहीं छोड़ो लुमड़े थे कुत्ते साए तो लागे सा भी निकला है जाओ रे भाई साए तो लगे कुत्ते इस डेरी ना किते लुमड़ो ने ना खुडा थे पर पीछे नूर सा के पास गया साथ लुमड़ कोई तड़प कुत्ते कर दे तो हल्ला इस पास मैं खा गिदड़ गया नहीं सा गिदड़ थोड़ा तरीके है साए तो होते बिल्कुल कुत्ते ही नाल नेड़े होते हां कुत्ता उड़ता नाम वाला तो काला कुत्ता नेड़े लेकिन भीड़ से चढ़ा गदोड़ता है इतना शक्ति करागा लवाऊं साथ व्यंजन ने होते ने जिस दड़ तुसी अब दड़ के दौड़ा नहीं इथे जी हो नहीं इथे। चलो ये सारे इकट्ठे वो लगी हुई है लूमड़े के लाग छूट गई है कि नास गया। सिमाब ने सामने देखा, सिमाब को नजर आया, मैं दूर खड़ा था मुझे नहीं नजर आया। मैं देखा सिमाब केड़ी शायद किया गिदड़ लूमड़ या खरगोश सा ना खरगोश को कहते हैं हम सा खरगोश को कह समाप कह रहे हैं लुमड़ भी देखा है और सा भी देखा है खरगोश भी देखा है। दो वहाँ से आ रहे हैं एक ये और बाकी वो नीचे गए हुए हैं वो वहाँ से घूम के आएंगे वो सामने निकल आए हैं। पहले इधर में ये खड़ा किया था उस साइड से तो ना गीदड़ गुजरा ना लुमड़ गुजरा ना खरगोश गुजरा सा गुजरा और फिर मुझे इधर खड़ा करके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इधर जिसका घर है ना ठोक है वो कह रहे हैं कि यहाँ से और वहाँ से लुमड़ गुजर रहे हैं तो आप इधर खड़े रहो आपकी वीडियो में ज़रूर कवर होगा। अब यहाँ पर रुकते हैं और देखते हैं अल्लाह करे कोई ना कोई आ जाए शिकार। वो गया 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 केड़ी शह नजर आ गया सदा नास गया। गाँव देहात के रास्ते देखें किस तरह के, बड़ा प्यारा रास्ता है। यहाँ से पानी वगैरह पिए, डॉग्स को पानी पिलाया। वो जो साइड पे कुत्ते को लेके गया हुआ था ना सामने वाली पहाड़ी पर, वो कह रहा है कि मैंने लूमड़ का बच्चा मरवाया है, बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन मतलब ये पीछे भाग रहा था, कुत्ता आगे भाग रहा था, इसके पहुंचे तक उसने मार दिया। बाकी शिकारी भाई कह रहे हैं कि छोटा बच्चा नहीं मरवाना, तो ये असूल अच्छा है कि यार बच्चे नहीं मरवाते। हो गया हो गया हो गया, छोड़ा सावे सा 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 के रे, हो गया छोड़ा सावे सा सा। किधर पास गया, किधर पास गया? खरगोश था, और जंगली खरगोश था। लाइफ में पहली दफ़ा देखा है शिकार भी और जंगली खरगोश भी। ये पता नहीं किधर है। वो सामने डॉग पे खड़े हैं, उन्होंने आवाज़ दी है, कहते हैं कि कुत्ते ने खरगोश पकड़ा है। मैं आ रहा हूँ, समाप कहता नहीं भाग गए, कुत्तों ने खरगोश पकड़ा। और ये देखें, ये देखें उसी खरगोश का यहाँ से गया खरगोश। ये देखें ना, सारी ये फसल टूटी पड़ी है, ये देखें ये टूटी हुई है। यहाँ से निकलता 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 उन डॉग से उस घर से पीछे चला गया। वो कुत्ता आ रहा है, वो खरगोश पकड़ा गया था। कह रहे हैं कि एक दफ़ा खरगोश को उठाया उन्होंने, फिर खरगोश भाग गए। कुत्ते मैं हैरान इस बात से हो रहा हूँ, कितने दूर चले जाते हैं और फिर वापस खुद ब खुद आ जाते हैं। ये पकड़ा ये एक बारी खरगोश है न पास, एक बारी न पास लेके निकल गया। वापस आ गई है बारी, यही कुकर कहाँ लगे तो कोनी बारी ये साहब भारत दी क्या हो तीसरा ये यार है, इसीलिए यार जनाब क्या ना चंगी बारी की वो नहीं कुत्ती नहीं का उदी नहीं आई कुत्ता में नहीं पैस अच्छा तड़ाई और जादू बात कर टटा बात टटा आई तो काल मुई गया है ना का नहीं साचो पावे ना या किधर लूंगा साओ शिखर वो छोसी कुत्ते उस पास इतना क्यों भौंकने पे खरगोश भी इसी कलर का होता है और सब्जा भी इसी कलर का ना, तो इसलिए खरगोश इसमें नज़र ही नहीं आता, छुप के बैठ जाता है। और जंगली खरगोश इतना तेज़ होता है कि उसमें पाँव भी आ जाए ना तो वो हिलता नहीं है, बैठा रहता है बस, तो इसलिए खरगोश को निकालना ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए सुराख भी है किसी चीज़ का, गीदड़ या लूमड़ ने ना अपना यहाँ पर घोंसला सा बनाया हुआ, देखें बड़ा प्यारा गोल मटोल, यहाँ पर बैठते होंगे। क्यों सही बनी हुई यार, एक्यूरेट छुपी डुपी। वो डखनी इधर क्या हुआ, डखनी नहीं सॉरी जंगली मेरे पास उड़ गई है। ये मुर्गा शुर्गा को परिंदा शिंदा खाया हुआ देखें पारी पर। एक शिकारी वो जा रहा है, एक ये है, एक इधर है, एक पीछे और एक उससे भी पीछे है। यहाँ पर ना तीतर वगैरह भी काफ़ी हैं, पहले उनको नजर आया था तीतर, मुझे नहीं नजर आया, उनको जोड़ा नजर आया था। और फिर अभी मेरे पाँव से तो खैर नहीं, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो वो सामने वाले दरख्त से ना उड़ के तीतर आगे गया। और मतलब वजनी होता है ना, जो जैसे उड़ता है ना फर 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 की आवाज़ आती है बड़ी ऊंची सी, वो बाकायदा पता चलता है कि परिंदा उड़ गई है। इसको हम पल्ली कहते हैं, इससे चने बनते हैं, मतलब इस फसल से, और इसका साग भी बनता है, बड़ी मीठी खट्टी खट्टी सी होती है, बड़ी मज़े की होती है। कम से कम हमें चलते चलते 1.5 से 2 घंटे हो गए। अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। खरगोश आया था उससे पहले जो गिदड़ उमड़ आए थे, तो आज अभी जगह पहुंचे, इस जगह दोबारा फसल है। मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि इधर से कुछ ना कुछ निकल आएगा। माँ बीच में जा रहे आवाज़ें देते हुए, उससे डरेगा तो आगे से निकलेगा, किसी शिकारी कुत्ता छोड़ देंगे। ओ कुत्ता 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 वैसे ही भाग रहा है। ए कुत्ती गई है, कुत्ती भाग रही, समझा लुढ़ा के आके हाथ करने लगे। अब कुत्ती अब फाइनली मेरे हाथ में मेरा फेवरेट कलर और फेवरेट डॉग है, बिल्कुल फुल जेट ब्लैक। मतलब हमारे डॉग्स हैं ना वो गुलटेर, उनका साइज़ हाइट छोटी छोटी है, ये उनके मुताबिक ना काफ़ी ऊंचे भी हैं और काफ़ी लंबे भी हैं। लेंथ है बहुत ज़्यादा, वीडियो में शायद आपको छोटा सा नज़र आ रहा हो, लेकिन इसकी ना लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। आम मतलब नॉर्मल डॉग से या गुलटेर से इनकी लेंथ भी और हाइट भी काफ़ी ऊँची है और लंबी है। ये देखें, मैं अब आपको एस्टिमेट नहीं बता सकता कि किस तरह का है। इस जगह पर कह रहे हैं खरगोश है, ढूंढ रहे हैं आप। एक रस्सी मैंने हाथ में लपेटी हुई है, एक को यूँ इस तरह हाथ में पकड़ा हुआ है। जैसे कोई चीज़ आएगी इसको छोड़ दूंगा और इसको खींच लूँगा, ये कुत्ता पीछे चला जाएगा। हा, 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 हा। ये जमिया है और काफ़ी घना है, तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होगी, शक शो भैया, यकीन वाली बात तो कोई नहीं है। अभी इसके अंदर ना ढूंढना शुरू करेंगे, फिर से 4-5 बंदे इसके अंदर जाएंगे, आवाज़ें निकालेंगे, डंडे मारेंगे, और जिस साइड से निकलेगा, मतलब एक बंदा वो खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा हुआ है, एक वो है और एक मैं हूँ, जिस साइड से निकलेगा वो कुत्ता छोड़ देगा। अब भी इसकी हाइट का अंदाज़ा लगाएं ज़रा, कितना ऊँचा है, काफ़ी हाइट वाला है यार। मैंने मतलब पहली दफ़ा देखा, फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा मुझे अजीब सा लगा, ऐसे लगा कि जैसे मैं कहीं क्यों शोर नहीं डालना, ये शिकार का असूल है कि कुत्ते को शोर नहीं डालने देना, तो मेरे वाला कुत्ता असूल तोड़ है। सब के सब डॉग ना बिल्कुल एक्टिव हैं, उसको भी पता है कोई चीज़ निकलेगी, इसको भी पता है, और बाकी डॉग्स भी बिल्कुल एक्टिव हुए पड़े हैं। नहीं कुत्ता 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 वो कह रहा शिकार में डंडा नहीं मार गया, मैं डंडा मारने लगा था कि लूमड़ आया है। इसमें कुछ भी नहीं निकला, अब इसमें जाएंगे। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा डखनी चित्रों की आवाज़ें भी आ, डखनी नहीं सॉरी जंगली होते हैं, जंगली और डखनी में फ़र्क होता है, लेकिन वो साइड से ना बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। बाकी सारे रोड पर आ गए हैं और काफ़ी सफ़र किया है, अब ना घर जाने लगे हैं। कोई शिकार मतलब कामयाब नहीं हुआ, पकड़े गए हैं, कुत्तों ने बाइट किया लेकिन भाग गए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने पेट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में रखिएगा, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी तक ये मेरे हाथ में ही है।